नमस्ते, मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। दोस्तों, आप एससी वर्मा सर की जो किताब है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी किताब है। और आपने देखा होगा कि आपने 4 चैप्टर लगा लिए और आज से 5वां चैप्टर आरंभ हो गया है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है और आपको एक बड़ा अच्छा सा फीलिंग आ रही होगी कि सर थ्योरी तो पढ़ाते नहीं है। अरे, थ्योरी काहे के लिए पढ़ाते हैं, उसी से सवाल लगाने के लिए। जब बगैर थ्योरी पढ़े सोती सर की एक जुमले से पूरी किताब हल हो रही है, पूरा चैप्टर हो रहा है, आमने सामने हो रहा है, तो क्या जरूरत है। अब देखिए, ये पूरा चैप्टर आप हमारे एक जुमले से सॉल्व कर सकते हैं। क्या न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के कान में क्या कहा था? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ध्यान दिया जाए, बाय द बॉडी नहीं, ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेशन। तो दोस्तों, कितने हैं? 42 सवाल होंगे इसमें, देख लेता हूं मैं। ठीक, ये पूरे पूरे 42 सवाल सिर्फ इसी जुमले में लगेंगे कि न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के कान में कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलेशन। आइए शुरू करते हैं, दिखाते हैं। तो पहले सवाल में कह रहे हैं वर्मा सर कि एक ब्लॉक है जो कि एक स्मूथ सरफेस पर रखा है, स्मूथ, समझ गए होंगे आप, जो कि आपका 2 केजी का था, एम राइट? 2 केजी का ब्लॉक था जो कि एक स्मूथ सरफेस पे रख दिया गया, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है। आप वर्मा सर कह रहे हैं कि यार इस पे एक फोर्स लगा दिया हमने, बिल्कुल लगाओ, और जिसकी वजह से इसमें 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स लगा है तो चलेगी। ठीक, रखा हुआ था यानी कि इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, आपने क्या करा, एक फोर्स लगाया जो कि 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितने समय में? पहले 2 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड। तो वर्मा सर क्या जानना चाहते हैं? कहीं यार ये एफ निकालिए। ठीक, अभी अभी हमने एक जुमला बताया जिससे कि हम पूरी 42 सवाल हल करेंगे। क्या बताया था? न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, सोती सर के कान में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। ये देखिए, अगर ये स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगता है? दो सरफेस के बीच में लगता है जब उसमें रबिंग होती है। ठीक है, जब स्मूथ है तो केवल एक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, आप एफ फोर्स लगा के चल रहे। तो क्या कहा था न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के कान में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो इस पे देखिए कई फोर्स दिख रहे हैं, केवल एक ही दिख रहा है। नेट फोर्स एक्टिंग इन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, मास एंड एक्सीलरेशन, मास एंड एक्सीलरेशन। तो दोस्तों, मास आपको मालूम है 2 केजी। अगर इस पैरामीटर से आप ए निकाल लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, फोर्स आप निकाल लेंगे, एम राइट? ध्यान दिया जाए, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी है, बस इसी का खेल है पूरा। ऑन ए बॉडी, बॉडी पे लगने वाला फोर्स नेट, यानी एक से ज्यादा भी लग सकते हैं, या तो केवल एक ही फोर्स लग रहा है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन, काम खत्म। आइए, फिलहाल तो मास आपको मिल गया 2 केजी का, एक्सेलेरेशन मिल जाए, एक्सेलेरेशन इस डेटा से मिल जाएगी आपको, बहुत सिंपल। आपने कहा सर एस बराबर UT+ ½ AT² होता ही नहीं होता है। यही तो काइनमेटिक्स पढ़ के आ रहे हो, काइनमेटिक्स आ गए तो मैकेनिक्स आ गए, मैकेनिक्स आ गए तो फिजिक्स आ गए। ये आपका 10 मीटर का था, यू बेटा 0 था, ए निकालना था, टी बराबर 2 × 2 कट गया, तो यानी 10 = 2A या A = 5 m/s². तो फोर्स आपका आ गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 5 × कर दीजिए 10 न्यूटन। देखा कितना आसान है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।